नमस्कार, मैं बॉबी जे एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। ब्राजील के बार में गोलीबारी, 6 महिलाओं समेत 11 की मौत। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें उत्तरी ब्राजील के बेलम में 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 6 महिला भी शामिल है। इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गई है। पुलिस का कहना है कि कम से कम 7 नकाबपोश बंदूकधारियों ने रविवार दोपहर को बेलम के गुआमा पड़ोस में एक बार में गोलीबारी की। वहां के स्थानीय जानकारी के अनुसार इस हमले में बार के मालिक समेत 5 महिलाएं और 6 पुरुष बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई ग्राहकों ने बार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। चुनाव के बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लोकसभा चुनाव के 7वें व आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के ठीक एक दिन बाद सोमवार को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल दिल्ली और मुंबई में 9 पैसे जबकि कोलकाता में 8 पैसे और चेन्नई में 10 पैसे प्रति लीटर महंगी हो गई है। डीजल के दाम दिल्ली और कोलकाता में 15 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को कोई बदलाव नहीं किया गया था। कमोडिटी बाजार के जानकार बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आए हालिया तेजी के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम में फिलहाल राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है। एंजल ब्रोकिंग के एनर्जी व करेंसी रिसर्च मामले के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में इस सप्ताह कटौती की संभावना नहीं बल्कि वृद्धि का सिलसिला चल रहा है और आगे 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों तेल के दाम में जो वृद्धि हुई उसका असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर जितना दिखाना चाहते हैं। विपक्ष हुआ फेल, इस वजह से फिर पीएम बनेंगे मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 के सभी चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। रविवार शाम आई एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर मोदी सरकार की भविष्यवाणी की। एग्जिट पोल्स की माने तो मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछले 5 साल के दौरान मोदी सरकार कई मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। हालांकि सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसने आम जनता के मन में अच्छी छाप छोड़ी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक देश में इस बार भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। बात करें कांग्रेस या पूरा विपक्ष की तो वह फेल होती दिख रही है। अगर सीट की बात करें तो एनडीए को 310 से 325, यूपीए को 110 से 118 और अन्य को 110-120 सीटें मिलने का अनुमान है। ओडिशा पश्चिम बंगाल में भाजपा मार रही बाजी। भाजपा अपने एक्ट ईस्ट नीति में सफल होती दिख रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी राज्य सरकारें गंवाने के बाद भाजपा ने एक्ट ईस्ट नीति पर काम करना शुरू किया। भाजपा को आशंका था कि लोकसभा चुनाव में उसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीट कम मिल सकती है, इसलिए उसने अपनी इस नीति पर जोर दिया। इस नीति के तहत उसे पूर्वी राज्यों में अपनी सीटें बढ़ाना था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भाजपा की सीटें यदि बढ़ती है तो ये जीत उसी नीति का नतीजा होगा। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।